आप हसीन हैं, खुश लिबास हैं, अपने आप को कैरी करना आता है, ये फरमाएं कि कितने दिल तोड़े। अब ये तो कभी गिनती नहीं की सोहेल सर, बस तोड़ने की सजा बड़ी पाई। अच्छा, अभी तक भुगत रहे। वो कैसे? बस फिर जब आप वो रिजेक्शन जो होती है ना, वो फिर लोग विंडिक्टिव हो जाते हैं। हर किसी के रिएक्ट करने का मुख्तलिफ तरीका होता है। कुछ लोग तो समझ जाते हैं ना कि इसी को हम हैरेसमेंट भी कहते हैं। आपको भी हैरेस किया गया है? पूरी जिंदगी हर औरत की हैरेसमेंट होती है, और ये हमें उनको शऊर देना जरूरी है कि आवाज उठाए। असेंबली में किस तरह हैरेसमेंट होती है? जी, आपके लिबास पे कोई कॉमेंट कर रहा है, या कह रहा है कि ये तो मुफ्त की सीटों पे आई हैं, या कोई और इस तरह की बात कर देते हैं, मतलब कि आपकी इज्जत को जो मजरू करती है बात, या आपको कंफर्टेबल फीलिंग नहीं देती कि आपको उसके ऊपर चुप करा दिया जाता है, तो आप उस पर कह देते हैं कि जी कोई बड़ा है, या कोई लीडर है, या कोई किसी और पार्टी का है, या इनको क्या बात करके एक इशू खड़ा करना, तो उसको सीरियसली लिया ही नहीं जाता। और हमने इससे पहले देखा कि इसको इशू बनाने भी नहीं दिया जाता, बिकॉज इट हैज़ बिन अ मैंस वर्ल्ड। उस मैंस वर्ल्ड में औरतों को अपनी पहचान कराने के लिए, अपनी जगह लेने के लिए, कि हमें इज्जत से काम करने, यू नो, इट हैज़ बिन अ वेरी लॉन्ग जर्नी। लेकिन मैडम, आपको जो लोग कमेंट्स करते होंगे वो तो हरासियत नहीं, वो तो सच है। इस सीट पे बैठने के बावजूद भी बहुत सारी लोगों की जेलसीज और एनिमोसिटीज जन्म लेती, ठीक है, बिला वजह के हासिद जो है वो क्रिएट होते हैं। और आप कभी सोशल मीडिया पे देखें, अपने उसके ऊपर आप देखें, इसीलिए आप देखें साइबर क्राइम और FIA भी अब मुतहरक हो गए हैं। हमारे वो उनके साथ MOU है, हम उनको केसेस भी भेजते हैं। जाती जिंदगी के हवाले से पूछना चाहूँगा कि आपने जाहिर है एक बहुत पहले शादी की जी, अब बड़े सालों के बाद दूसरी शादी कर ली, पहले इतने साल इंतज़ार क्यों किया और अब क्यों किया शादी? पहले मेरी शादी मेरे कज़न के साथ थी। अच्छा। और अल्लाह ने, मैं समझती हूँ कि अज़लान ख़ान को भेजना था, लेकिन वो शादी 1.5 साल से ज़्यादा हम नहीं इकट्ठे रह सके। माय फॉर्मर हस्बैंड लिव्स इन कैनेडा, यहाँ नहीं होते, सारी उम्र से वहीं पे रहे। और जो इतने सालों के बाद शादी की, तो मैं, आपको पता है कि मेरी एक फाइटर्स वाली स्पिरिट है, और मैं समझती थी कि एज अ खातून मैं अकेली सर्वाइव करती रहूँगी। लेकिन मैं समझती हूँ कि हमारा मुआशरा इस लेवल पे भी आके, जब व्हेन आई एम एन एम्पावर्ड वुमन, जहाँ पे मैं, मुझे इकोनॉमिकली फाइनेंशियली किसी की ज़रूरत नहीं है, कॉन्ट्ररी वो जो मेरी शादी पे बहुत सारे व्हाट्सएप चले, मैंने कितने बिलियंस ले लिए, मैंने एक टक्का और धेला भी नहीं लिया उस बंदे से। अच्छा, आपके भी वो दोस्त हैं तो आप भी उनसे रिकन्फर्म कर सकते हैं। तो मैंने कंपेनियनशिप के लिए शादी की। सोशल मीडिया पर और अफवाहों में ये कहा गया कि आपने ज्वेलरी ले ली, आपने गाड़ियाँ ले ली, आपने कुटियाँ ले ली, ये सब गलत है? ये तो हम दोनों मियाँ बीवी जब बैठते हैं तो हम हंसते हैं कि किस किस्म की बेबुनियाद ये बातें करते हैं। और मैं ये समझती हूँ कि मैंने उस शख्स को इसलिए मुंतखब किया कि वो 15 साल से मेरे पीछे जस्तजू में थे, और जब भी उन्होंने मुझे रीच आउट किया, हमेशा शादी का कहा, कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि अच्छा मेरे साथ डेट मार लो या फंस जाओ या ऐसी चीज़ कही। उस बंदे ने हमेशा मुझे इज्जत दी, इज्जत देने की कोशिश की, और एक इज्जत एहतराम के रिश्ते की ऑफर की, जो हमारे मज़हब में भी सही तरीका है। जो हमारी सोसाइटी है वो जाती है कि अच्छा जी, बेगमात भी अक्सर ये कहती हैं कि हाँ गर्लफ्रेंड रख लो मगर शादी ना करो। हाँ, तो मेरे ख्याल में कि जब इस्लाम ने 4 शादियों की इजाज़त है, तो मर्द अगर अफोर्ड कर सकता है और इज़्ज़त दे सकता है, और किसी खातून से शादी करना चाहता है एक नेक रिश्ते में, तो व्हाई नॉट। इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज आई इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अहदेदारान से मुलाकात की, ग्रुप फोटो बनवाया। कॉन्फ्रेंस रूम में आई,
مختلف شعبہ ہے زندگی سے تعلق رکھنے والی خواتین کے ہراسیت سے متعلق آگاہی سیمینار میں شرکت کی۔ اب جو لیٹسٹ ہمارے پاس ایک نیا قانون آیا ہے وہ ویمن پراپرٹی رائٹس کا، وہ پریزیڈنٹ صاحب وہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ خواتین کو یہی نہیں پتا کہ ان کے حقوق کیا ہیں،